जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपसे CISF फायरमैन की जो भर्ती है निकली है 2022 की, उसके बारे में। तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा, क्या इसकी फॉर्म की डेट है और कब तक वो फॉर्म भरे जाएंगे, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया है, कैसे कैसे उसमें सलेक्शन होता है। तो आज पूरी प्रक्रिया में आपके पूरी डिटेल आपके सामने बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म है वो देखो ऑनलाइन हो चुके हैं, इस समय ऑनलाइन चल रहे हैं। उसकी लास्ट डेट की बात करें हम तो उसकी लास्ट डेट 4 मार्च है, 29 फरवरी से स्टार्टिंग हुई थी और 4 मार्च तक वो फॉर्म आपके भरे जाएंगे। CISF की अगर बात करें इसकी फायरमैन की, तो आपको बता दूँ फायरमैन CISF में एक फायरमैन होता है, फायर का पद होता है कॉन्स्टेबल फायरमैन, जो कि आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज एरिया वगैरह होती है उसमें कहीं भी आग वगैरह या कुछ भी ऐसा होता है लग जाए तो उसके बुझाने के लिए एक ये अलग से कॉन्स्टेबल फायरमैन का पद है, ये CISF के अंदर आता है। तो इसकी अगर हम सलेक्शन प्रोसेस का बात करें, पहले मैं आपको बता दूँ फॉर्म में ऐसे इसमें क्या क्या हुआ है, फीस वगैरह क्या रखी गई है। तो इसकी फीस की बात करूँ तो फीस जो है वो EWS और जनरल और OBC के लिए आपकी जो फीस है वो 100 रुपये मात्र रखी गई है। और ये फॉर्म जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती, ये मैं आपको बताता चलूँ। और अब अगर बात करें अब इसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद पहले ये जो है CISF का जो साहब हुआ है उसके द्वारा आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो फिजिकल में आपका 1.70 आपकी हाइट होनी चाहिए और आपका चेस्ट वो 80 से 85 होना चाहिए और आपके पास आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रनिंग लगानी होगी, जो 5 किलोमीटर रनिंग है वो 24 मिनट में आपको पूरी करनी होगी, ये इसका फिजिकल की प्रक्रिया होती है। अब जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद एक इसका ये फिर रिटर्न लिखित परीक्षा कराता है। लिखित परीक्षा में आपका सेम SSC GD वाला प्रोसेस है, जैसे 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 25 की आप की मैथ आएगी और 25 का आपका हिंदी और या फिर इंग्लिश एक चूज कर सकते हैं और 25 की आपकी मैथ आती है। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर के होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में लिखित परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 में 100 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके नंबर कटेंगे, नंबर आपके कटते नहीं हैं। ये आपका लिखित परीक्षा होती है। उसके बाद आपको इसमें मिनिमम OBC से हो आप OBC या SAT से, तो आपको मिनिमम 33% अंक लाने अनिवार्य हैं पास होने के लिए, और अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से हो तो आपके लिए 45% मार्क लाने अनिवार्य हैं, तभी आप पास माने जाओगे, अन्यथा इससे कम आपके अगर नंबर आते हैं तो आपको चाहे एक बच्चा सेलेक्ट हो पाए या ना हो पाए, उन्हें कोई भी बच्चा मिले या ना मिले, वो इससे नीचे आपकी मेरिट नहीं लगाएंगे। जब आपकी लिखित परीक्षा में आप क्लियर हो जाते हो उसके बाद क्या होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका ये एक मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट बन के आती है। फाइनल मेरिट में आपका अगर नाम है तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये है इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया। तो इसकी सैलरी की आपको मैं बता दूं, सैलरी जो है वो इसकी भी सेम होती है SSC GD की तरह, 21,000 से 69,000 तक की इसकी सैलरी होती है। और अगर हम इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो इसकी ज़्यादातर जो है CISF की जॉब लोकेशन होती है वो इंडस्ट्रीज एरिया में ही होती है, आपको कहीं बॉर्डर पर नहीं जाना है, कहीं जंगल एरिया में नहीं जाना है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं इंडस्ट्रियल एरिया हैं गवर्नमेंट के उन्हीं में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। और ये तो आपको बहुत ही अच्छी एक तरह से जॉब है SSC GD की तरह, अगर आप SSC GD का एग्ज़ाम दिया है और आपको लग रहा है कि हम SSC GD में हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हमारे नंबर कम आए, तो आपको ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप CISF फायरमैन का जो है फॉर्म अप्लाई कीजिए। और ये बहुत भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत ही तेज़ी से कराएगा, आपको बताता चलूँ मैं, अगर 4 मार्च तक इसकी फॉर्म की ऑनलाइन डेट है, उसके बाद आपके 15 मार्च के आसपास आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 15 मार्च के बाद आपका फिजिकल होने के चांसेस हैं, उसके बाद से आपको फिजिकल कराया जाएगा, कम से कम 2 या 3 महीने इसका लगभग फिजिकल चलेगा, उसके बाद आपका फिर इसका रिटर्न कराया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी वो है जॉब, आप करना चाहें तो आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं,
तो ये आज आज की सूचना थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर ऐसी वीडियो और ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद, जय भारत।